फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप विद सौम्या में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैंगो फ्रूटी। ये बनाना बहुत ही इजी होता है और साथ ही ये आपको और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टी और इजी मैंगो फ्रूटी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है इस साइज़ का 2 पका हुआ आम। इसे हम धोकर अच्छी तरह से छिलकर काट लेंगे। और साथ ही हमने लिया है इस साइज़ का 1 कच्चा आम। अब हमने इन दोनों को धोकर अच्छी तरह से इनका पल्प निकाल लिया है। इस तरह से हमें पक्का जो आम है उसकी क्वांटिटी डबल चाहिए और जो कच्चा आम है उसकी क्वांटिटी हमें हाफ चाहिए। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे। ये हमने पका हुआ आम का पल्प डाला है, साथ ही हम डालेंगे कच्चे आम का पल्प। अब इन दोनों को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे पीसकर बिल्कुल ही अच्छी तरह से एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। तो पकाने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख दिया है और अब हम इसमें ये पूरा मैंगो का पेस्ट ट्रांसफर करेंगे और हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो हमें इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकाना है पहले, और हम इसमें साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा 1/2 कप ऑफ वाटर और इसे हम अच्छी तरह से इस पेस्ट में मिला देंगे। और जैसे ही ये वाटर इसमें अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसमें अब ऐड करेंगे चीनी। चीनी हमने यहाँ पर 1/2 कप ली हुई है और इसे भी हमें इसमें अच्छी तरह से मिलाते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो चीनी है सारी इसमें घुल जाए और आप देख रहे हो इसका जो टेक्सचर है ना वो अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून विनीगर। विनीगर हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि हम इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर पाएँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। और आप देख रहे हो थोड़ा हमने ये सारा पेस्ट हमने 10 मिनट्स पकाने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी इस तरह से हो जाती है और साथ ही आप देख रहे हो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। तो इट मीन्स कि अब ये हो चुका है। हम इसे गैस को बंद करके ठंडा होने देंगे। अब यहाँ हमने 10 से 15 मिनट्स इधर रख दिया था जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बोल ले लिया है और अब हम इस तरह से एक छन्नी रखेंगे और ये जो पूरा पेस्ट है इसे हम एक बार छान कर लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी अगर हार पार्टिकल्स हो तो वो निकल जाए। हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर हमने 750 ml पानी इसमें ऐड किया हुआ है। पानी आप एक साथ ऐड न करें, धीरे धीरे करके ऐड करें जिससे कि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल जो फ्रूटी की कंसिस्टेंसी होती है ना हमें बिल्कुल उस तरह की चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें तो आपको बराबर अंदाज मिलेगा इसका। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पर 750 ml पानी इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी देख रहे हो आप बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रूटी की तरह बन चुका है। तो अब ये हमारा रेडी है, हम इसे ग्लास में निकालेंगे। तो सी फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इसका जो टेक्सचर है ये बिल्कुल फ्रूटी की तरह है और ये टेस्टी भी बहुत है। तो फ्रेंड्स, इसे अपने घर में ट्राई कीजिए, खुद पीजिए और अपने बच्चों को पिलाइए और ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मैंगो के सीज़न में ये फ्रूटी आप अपने घर में ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करना ना भूले। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।